वार्तिककार मतेना आरचयति। इसी अधिकरण को वार्तिककार के दृष्टिकोण से रचना करते हैं। यद्वा बलित्तम सानिध्याद अस्ति प्रकरणे ततः दर्शादि प्रक्रियाधीते क्रमणे स्यात् तदंगता अवांतर प्रकरणं समिदोजतीत्यतः तन्मध्यपाठात् तस्यांगं तद्वारा दर्शशेषता। यद्वा अथवा इसी विषय वाक्य को लेकर के और उसी विषय है, संशय भी वही रहेगा, इन पूर्वोत्तर पक्ष अलग कर देते हैं। प्रयाज के सन्निधि में पटित होने से और दशपूर्णमास के प्रकरण में कौन सा प्रबल है, सन्निधि या प्रकरण प्रमाण? प्रकरण प्रमाण बलवान होता है क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान, स्थान से सन्निधि होता है। वही विचार कर रहे हैं, बलित्वम सान्निध्यात् अस्ति प्रकरणे ततः, सान्निध्यात् बलवत्ता है या प्रकरण प्रमाण के कारण से बलवत्ता है। दर्शादि प्रक्रियाधीते, दर्श के प्रकरण में पठित होने के कारण से क्रमणे स्यात् तदंगता। कृष्ण जो है अभिक्रमण कार्य में इसको अंग मानना चाहिए। तद अवांतर प्रकरणम समिदेजति इत्यतः, जैसे अवांतर प्रकरण मानते हैं इसे यहाँ भी मान लिया जाए। और तन्य मध्य पटा पाठात, उसके मध्य में पठित होने तो उसी का अंग होगा, और तद्वारा दर्शक अंग कर दो, सीधे दर्शक अंग नहीं होगा। अस्मिन् अपि मते तावेव विषय संशय, विषय वाक्य और संशय भी वही रहेगा, लेकिन पूर्वोत्तर पक्ष हेतु मात्र मन्यत, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष और युक्ति जो हेतु दिया जा रहा है वो अन्य होगा। क्या है बता रहे, प्रयाज सन्निधितोपि दशपूर्णमास प्रकरणस्य प्रबलता, प्रयाज में के सन्निधि पाठ की अपेक्षा से दशपूर्णमास प्रकरण जो है प्रबल होता है। इसलिए प्राकरणिकेशु कृष्णेशु अभिक्रमणम निविशते, इस समस्त प्रकरण में पूरे दर्शिया के सारे कर्मकांड अभिक्रमण पूर्वक ही करने चाहिए, घूम घूम के करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहेगा। इति पूर्व पक्ष सिद्धांत नहीं, समझो इत्यारभ्य आमनातम अवांतर प्रयाज प्रकरणम, समझो इत्यादि से आरंभ करके अवांतर प्रकरण आरंभ किया है वह प्रयाज का। महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण दो होता है ना, महाप्रकरण तो बड़ा वाला और बीच बीच अलग अलग किसी विषय विशेष को लेकर के अवांतर प्रकरण बना दिए जाते हैं। इस तरह यहाँ पर भी समझ इत्यादि से आरंभ करके अवांतर प्रकरण प्रयाज का पाठ किया गया है। तन मध्य अभिक्रमण आमनातम, और इसके बीच में अभिक्रमण पठित है, इसलिए तस्य च अभिक्रमण विधेर उभयत प्रयाज विषयैर वाक्य संदृष्टत्वात्, इसलिए वह अभिक्रमण का जो विधि है आगे और पीछे उभयतः प्रयाज वाक्य के पीछे पटित है। अच्छा संदंश न्याय बताया था ना कल भी, संदंश न्याय से पकड़ में आ जाएगा। प्रयाज विषयर वाक्य संदृष्टत्वात् अभिक्रमणम प्रयाज मात्र निविशते इति राजा राधांत, इस अभिक्रमण जो है प्रयाज रूपयांग मात्र में लागू होगा और प्रयाज अंग द्वारा दर्शक अंग हो जाएगा। न अनर्थ क्या तंगेश, मुख्य में नहीं हुआ अंगों में चला जाए। अस्मिन् अपि पक्षे महाप्रकरणम न विद्यते, फिर भी इस पक्ष में भी महाप्रकरण के साथ कोई विरोध भी नहीं है। क्यों? प्रयाज द्वारा दशपूर्णमास और निवेशात, प्रयाज के माध्यम से दशपूर्णमास और महाप्रकरण के साथ भी इसका संबंध हो जाता है। एकाशाधिकरण आरचेती, ग्यारहवाधिकरण की आरचना आरंभ करते हैं। उपवीत अधिकरण है, उपवीत अधिकरण कदे जब भी प्रयास न्याय लगाया अंग के साथ जोड़ूंगा तद्वारा प्रकरण के साथ जोड़ेगा, वहां भी ऐसे कहेगा पूर्व पक्षी उपवीत जहां पढ़ा गया है वहीं उसी का अंग कर दो और उसके द्वारा प्रकरण के साथ संबंध भले कर लीजिए। पूरे प्रकरण काल में, पूरे कर्म काल में उपवीत करना ठीक नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत के लिए प्रकरण अलग है, मामला अलग है, उपवीत तो सदा व्यक्ति को उपवीत ही रखना है सब पूजा पाठ में, कि विशेष विधान हो गया
कब आपको आवित करना है, कभी निवित करना है, विशेष कथन है वहाँ पर। उपव्यय दैत्यस्य सामिधेन्यंगता अथवा दर्शांगता प्रक्रियैषा अवांतरातोस्त्विहाग्रिमः लिंगादग्नेरंगभूतैर् निवित्संजकमन्त्रगैः विच्छेदे सति दर्शांगं महाप्रकरणोक्तितः। उपव्येति इत्यादि विधि वाक्य आया। सामिधेन्य अंगता, सामिधेनी किसको अंग मानना चाहिए, अतः पूरे दर्श का अंग मानना चाहिए। प्रक्रिया ऐसा अवांतर दो, क्योंकि बीच में अवांतर प्रकरण है सामिधेनी प्रकरण, दर्श प्रमास प्रकरण के अंतर्गत सामिधेनी प्रकरण, जैसे प्रयास प्रकरण आपने कहा पूर्वाधिकरण में, यहाँ पर क्या है सामिधेनी प्रकरण है, उसके नजदीक पठित होने से ये सामिधेनिक अंग बनाओ, सामिधेनिक अंग द्वारा ये चला जाएगा दर्शक अंग बन जाएगा, साक्षात नहीं होगा। अवांतर तो अस्तु य अग्रिम, इसे पहला पक्ष सामिधेनिक अंग मानना वही उचित है, तो सिद्धांत है नहीं नहीं, यह प्रकरण प्रमाण से भी ज्यादा प्रबल कौन है, लिंग प्रमाण, सन्निधि प्रकरण इन सबसे भी लिंग, कि श्रुति के बाद ही लिंग है, लिंग ना हो तो वाक्य, तीनों ना हो वह प्रकरण होता है, इसलिए हम पहले लिंग प्रमाण होने के कारण से लिंगादग्निर अंगभूतैर निवित संजक मंत्र कई, निवित संजक मंत्रों के द्वारा जो अंगभूता है उसी का अंग मानना चाहिए, अग्नि का अंग मानो, और अग्नि कार्य पूरे दशम मास में, केवल सामिधेनी नहीं है, अग्नि का आप जब क्या करेंगे हवन कुंड में स्थापना करेंगे, उससे पहले अरण्य मन से उत्पन्न करेंगे, उत्पत्ति से लेकर के विसर्जन तक पूरे अग्नि कार्य काल में आपको उपवीत ही रहना है, ये सिद्धांत ही कहता है लिंग प्रमाण के आधार पर। क्यों विच्छेद सती दर्शांगम महाप्रकरणोक्तितः, क्योंकि सामिधेनी प्रकरण से भी विच्छेद करके निवित प्रकरण अलग कर दिया, निवित प्रकरण अलग, इसे सामिधेनिक अंग कैसे कर दूंगा, कि सामिधेन से विच्छेद कर दिया गया है निवित प्रकरण को, अतः निवित रूपी अवांतर प्रकरण का अंग होगा, और निवित अवांतर प्रकरण अंग होते हुए ये महाप्रकरण ज्योतिष्मिन मास का भी अंग हो जाएगा। दर्श पूर्णमास प्रकरण विश्वरूप वैश्वाष्ट्र इति प्रभाट के सप्तमाष्टम योर अनुवागयो सामिधेनी ब्राह्मणम आमनातम, विश्वरूपो वैत्वाष्ट्र इत्यादि प्रपाठक में जो है सातवां और आठवें इन दो अनुवाकों में सामिधेनी के जो है ब्राह्मणों का पाठ हुआ है, फिर नवमे नवके हो गया, नवमे निमित संजगाना अग्ने महानसी ब्राह्मणा भरद इत्यादि नाम मंत्राणाम ब्राह्मणम इत्यादि मंत्र ये ब्राह्मण भाग वहाँ पठिते कहा निमित संजग प्रकरण में, फिर दशम में अनुवाक में काम्या सामिधेनी पक्षा काम्य जो है इष्टियों को लेकर के सामिधेनी का पक्ष उठाया गया, और ग्यारहवें अनुवाक में तुपवीतम एवं वीतम, ग्यारहवें अनुवाक में उपवीत का विधान किया, इस उपवीत क्या है सामिधि से संबंध ही नहीं है, पहले सामिधेनी आया सातवें आठवें, नवे में निमित संजग थोड़ा मंत्र आया, दसवें में काम जुड़ा, फिर ग्यारहवें में पुनः उपवीत का मामले में आ गया। निवीतम मनुष्यानाम प्राचीनावीतम पितृणाम उपवीतम देवानाम उपव्ययते देवलक्ष्मम मेव तत्कुरुत इति, ये वाक्य निवीतम मनुष्य, मनुष्यों को जब तर्पण आदि दिया जाता है तब जनु आपका निवीत रहेगा, जब पितरों को तर्पण करना है आवीत होगा, और देव कार्य सकल कार्यों के लिए उपवीत रहेगा, उपवीतम देवानाम, ऐसे करने से क्या होगा उपप्रियत है देव लक्ष्मेव तत्कुरुतो, देवता रूपी का स्वरूप जो लक्षण है स्वरूप है उसी को संपादन कर देता है, देव भूतवा देवाने चेत, देवता लोग कैसे पहने हुए हैं सीधे जन पहनते हैं उसको उपवीत कहा जाता है, हम उसको उल्टा पहनेंगे क्या, जो भूत देवने जित क्या उनके जैसे हमें पहनना पड़ेगा, हमें उनके जैसे होना पड़ेगा, इसे तो सब न्यास होते हैं, न्यासों का मतलब ये
देवभूतवा देव देव भाव को प्राप्त करना, ताकि हम देव पूजन कर सकें। इसलिए देव लक्षणम एव तद कुरुत इति तत्, यहाँ से पूर्व पक्ष शुरू हो, ये विषय वाक्य की चर्चा हो गया, बता दिया कैसा है प्रकरण वहाँ स्थिति गति। अब बता पूर्व न्यायेन सामान्य प्रकरण से अवांतर से अंगीकारा पूर्व प्रजा जो प्रयाज न्याय के आधार पर यहाँ पर भी हम कहेंगे आपको कि सामान्य प्रकरण रूपी अवांतर स्वीकार किया गया। सामधैन्य अंगम उपवीतमिति चेत सामधैनिक अंग उपवीत है और तद्वारा दर्शन मास अंग हो जाएगा। न निवीत ब्राह्मण न सामधैनी प्रकरण से पिछेदी तो प्राप्त। निवित मंत्र कथन वाले ब्राह्मण भाग को निवित ब्राह्मण कहते हैं। निवित ब्राह्मण क्या है, सामधैनी ब्राह्मणों से अलग प्रकरण विच्छेद कर दिया। सामधैनी प्रकरण अलग, इसीलिए निवित प्रकरण अलग है, पिछेदी तत्ता। न च निविदापि सामधैन अंगतया तत्प्रकरण पाठात अविच्छेदकत्वम अस्तु इतने वाच्य। निविदों को भी सामधैन का अंग बना दो, निविद को भी सामधैन का अंग बना दीजिएगा। निविदापि सामधैन अंगतया तत्प्रकरण पाठात, क्योंकि सामधैन प्रकरण के बीच आगे भी सामधैनी, बीच में जो है आगे भी पीछे भी सामधैनी, बीच में निविद भी आ गया ना, कि सात और आठ में सामधैनी, नौ में निवित आया, फिर दस में सामधैनी, फिर ग्यारह में निवित, ग्यारह में विधि वाक्य है लेकिन नवे में नहीं आया, नवे में निवित मंत्र आया, इन विधि कहाँ है ग्यारहवें में, इन विधि लेकिन सामधैनियों के बीच में नहीं है। यदि बीच अगर इष्ट होता ये वाक्य जो ग्यारहवें अनुवाक है वो दसवां होता, दसवें को ग्यारहवा कर देते तो क्या होता, पहले सामधैनी फिर निविद मंत्र, निविद उपवीत का विधि फिर सामधैनी, ऐसा होता तो मैं मान लेता सामधैनी का बीच में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ, क्योंकि सातवें आठवां सामधैनी है, नौवां निविद मंत्र है, दसवां फिर सामधैनी है, किंतु ग्यारहवें में निविद संबंधी विधि आ गया अलग से, इसीलिए हम विच्छेद मान रहे इसको। न छ निविदा में सामधैनिक अंग रूपेण उसी के प्रकरण मान लीजिएगा, अतएव ये भी उस उपवीत भी उसी का अंग हो जाएगा। इतना चवाच्यम लिंगे न निविदाम अग्नि अंगत्व अवगमात, लिंग प्रमाण के आधार पर निविद मंत्र अग्नि का स्तुति कर रहा है, अग्नि को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, ताकि हमारे यज्ञ को स्वीकार कर देवताओं तक पहुँचा गए। इसलिए अग्नि रूपी जो है प्रशंसा वचन होने से लिंग प्रमाणों से मालूम होता है निविद मंत्र अग्नि संबंधी है, और अग्नि केवल सामधैनी इष्टि में नहीं होता, उसे पहले से अग्नि है, उसके बाद भी अग्नि रहेगा, पूर्णावधि तक अग्नि रहेगा। लिंगे न लिंग प्रमाण से निविदाम अग्नि अंगत्व अवगमा आहुत्यधिकरण भूतम अग्निम संबोध्य, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, आहुति का होने वाला जो अधिकरण रूपेण स्थित कौन होगा, अग्नि, उस अग्नि को संबोधन करके महानसी इत्यादि फिर निविद वाक्यर अग्निर उत्साह जननाय तद गुणा आवेद्यंत है। यहाँ पर अग्नि का संबोधन करते हुए महानसी अमान हो इत्यादि वाक्यों मंत्रों के द्वारा निविद वाक्यों के द्वारा अग्नि को उत्साह बढ़ाया जा रहा है, और ताकि जो है तद गुणा आवेद्यन्ते उस गुणों का उन मंत्रों से आवेदन किया जा रहा है, ताकि वे प्रसन्न हो जाएं। अतएव निर्वचनम एवं श्रूयते, इसे उसके निर्वचन भी क्या निवित का देख लो, निवित फिर निवेदयत तन निविदाम निवित्तम इति, निवित फिर निवेदयत, निवित ऋचाओं के द्वारा निवेदन करो, तन निविदाम यही निविदों का निविदत्व है, निवित्व है। ननो सम्यक इत्यते अग्निर, वो भी हम अग्नि कर ले जाऊँगा, सम्यक इत्यते अग्निर याविर्ग भी ता सामधैनी व्युत्पत्तिया तापि सामधैनी ऋचाओं को भी हम अग्नि तरफ ले जाएंगे, ज्वलन द्वारेण अग्नि अर्था एव, उस अग्नि को प्रज्वलित करने के बहाने से अग्नि की परत उसको चला जाएगा। अतः निवित मंत्र भी अग्निस्थावक है और सामधैनी मंत्र भी अग्नि का उज्ज्वालक है, वह प्रज्वल कर देने वाला है,
दोनों अग्नि संबंधी है। इति चेत संतु नाम हम मना नहीं कर रहे हैं, अग्नि को दीप्त प्रज्वलित करने के लिए सामिधि निष्ठी होती है, लेकिन नहीं तो होता परस्पर मंगांगी बाबा इत मात्र से सामिधेनी और निविन मंत्रों का परस्पर अंगांगी भाव नहीं कर सकते आप। ननो विच्छिद्यता सामिधेनी प्रकरणम निमित प्रकरण उपवीत निविदंगत्वम स्यात्। ठीक है, सामिधेनी प्रकरण से आप विच्छेद मान लूंगा आपके कहने के पर, लेकिन निमित प्रकरण के द्वारा उपवीत को निमित मात्र गंग कर दो जन्न पुरोत्र अनुवागयोर निविदाम अश्रवणेन प्रकरणाभावा पूर्वोत्तर अनुवाकों के द्वारा निविदाम अश्रवणेन निविद मंत्रों का श्रवण न होने से अवांतर प्रकरण की कल्पना नहीं कर सकते। प्रकरण अभावात् वाणी है यहाँ सन्निधिना तद अंगत्वमिति चेत इस सन्निधि प्रमाण से उसके अंग मान लो न कामे सामे देनी भीर व्यवधानात्। बीच में दशम मंत्र में क्या आया था, काम्या सामिधेनी पक्षाः आया था, दसवें में बीच में सामिधेनी आ गया है, इसे सन्निधि भी नहीं दूर है वो तो न च कामे सामिधेनी भीर व्यवधानात्। न जवाब दे दिया न च कामे सामिधेनी अंगता, फिर ऐसे करो कामे सामिधेनी का अंग कर दो इसको। न संख्या संहित प्रकरण से प्रबलत्वात् सन्निधि की अपेक्षा से प्रकरण प्रमाण बलवान होता है, तस्मात्र प्रयाजन्याय अभावात् पूर्व अधिकरण का प्रयाजन्याय लागू नहीं हो सकता, अतएव दश पूर्णमासांगम उपवीतम दश पूर्णमास का पूरे अंग अग्निकारी के काल पर्यंत पूरे काल पर्यंत ये उपवीत ही रहेगा ये कहना है। द्वादशाधिकरण आरचेति बारहवें अधिकरण आरंभ होता है, इस अधिकरण का नाम है वारणाधिकरण, वारण अधिकरण। वैकंताधिकं पात्रं पवमान हविश्वथ यज्ञ अखिले प्रकरणाद् आधाने अन्वितमस्तु तत् अनर्थकं तदंगेषु हविश्वेश्वावतिष्ठते नाधान हविषां साम्याद् वाक्याद् यज्ञ अखिले भवे। वाक्य प्रमाण लिंग प्रमाण हो गया, वाक्य प्रमाण प्रकरण प्रमाण से बलवान है ये दिखा। वैकंकतादिकं पात्र यस्य वैकंती यस्य खादिरो यस्य प्रणमयी इत्यादि अलग अलग वर्णन आता है, जिसे प्रणमयी पात्र होते जो पात्र जो वैकंक से बना हुआ भवृत पात्र है या खदिर से बना हुआ पात्र है, अलग अलग लकड़ी से अलग अलग पात्र बनाया जाता है, वहाँ विचार हो रहा है। वैकंताधिकम पात्रम पवान पवमान हविषु अत यज्ञ अखिले, पवमान संबंधी हविष्य में ही पात्र का प्रयोग होना चाहिए वैकंति पात्र यह संपूर्ण यज्ञ में। पूर्व पक्ष कहते हैं प्रकरणाद आधाने अन्वितमस्तु, प्रकरण के प्रमाण के आधार पर पवमान के हविष्यों में आधा अग्नि आधान प्रग काल में ही इसका प्रयोग होना चाहिए वैकंती बर्तन का, अन्य काल में नहीं। अनर्थक्यम तदंगेशु वही न्यायालय पुनः अनर्थक्यम तदंगेशु हविष्वेव अवतिष्ठते न आधान हविषा, सकल हविष्यों में उपस्थित होगा केवल आधान हविष्य में नहीं। क्यों साम्याद वाक्याद यज्ञ अखिले भवे, इसलिए समान हेतु को देखते हुए वाक्य प्रमाण के आधार पर अखिल यज्ञ में इसका अन्वय होगा। एक अंश मात्र में केवल जो आधान हविष्य में पवमान हविष्य मात्र में संकोच करके हम अन्वय नहीं करेंगे, किंतु इसका विनियोग संपूर्ण यज्ञ में हो जाएगा। आधान प्रकरणे दारोपात्रम होमार्थम यज्ञार्थं च श्रूयते, आधान अग्नि आधान प्रकरण है, उस प्रकरण में लकड़ी के बनाए हुए विभिन्न पात्रों की चर्चा हुई, कुछ पात्र केवल होम के लिए प्रयोग होना है, कोई कुछ पात्र समग्र यज्ञ में उपयोग में आना है। तस्माद् वारणो वै यज्ञावचरः स्यान्
नत्वेतेन जुह्याद् वैकंकति यज्ञावचर स्याद् जुह्याद् वैतेन इति। वारणो वै यज्ञावचरः स्याद्। वारुण नाम के वही लकड़ी विशेष है, वैकंत नाम के पात्र अलग अलग पात्र हैं ये। नतु एते ना, लेकिन वारुण नामक लकड़ी से बना हुआ जो है पात्र से एते ना, ना निषेध कर दिया। फिर किसे करना चाहिए? नतु एते जुहियात, किंतु वैकंतो यज्ञावचर स्यात् जुहियादे वैते न। यज्ञावचर कहते यज्ञ का प्रचार, समय प्रकार से अनुष्ठान, क्रमशः अंगों का अनुष्ठान करना। यज्ञावचर, अवचर मने प्रचार, फैलाओ, पूरा समाप्ति तक पर्यंत करते जाना। नीचे आगे दे रहे, यज्ञावचरो यज्ञ प्रचार हेतु, यज्ञ के प्रचार, प्रस्ताव, फैलाओ, अंग प्रत्यंग के क्रमशः समाप्ति पर्यंत करना, लगातार करना, उसे कहते हैं यज्ञावचर। तत्र वारण वैकंकतादि पात्रम प्रकरण बलात् आधाने प्रथम अन्वेति। उर्वश कहता है वारण वैकंकत आदि जो पात्र है इनको प्रकरण प्रमाण के बल से हम आधान में ही सीधे सबसे पहले अन्वय करेंगे। इन एतेन पात्रेण आधाने प्रयोजनाभावत्, इन पात्रों से तो आधान होता नहीं है। अग्नि आधान कैसे होगा? संविधान से होगा। इसे कैसे पात्र थोड़ा डालेंगे उसमें? भले लकड़ी का है पात्र, इन पात्रों से थोड़ी अग्नि को तेज किया जाएगा, संविधान से किया जाएगा, घी से किया जाएगा, आज वगैरह सामग्री अन्य है उसके लिए। इसीलिए प्रथम अन्वय तो मैं करूँगा, इन व्यर्थ है, अनर्थ ज्ञात तद अंगेश में चला जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा है एतेन पात्रेण आधान प्रयोजन अभावात् आधानांगेषु पवमान हविष्य एव तत् पात्रम निविशते। पवमान का हविष्य प्रयोग काल में इन पात्रों का प्रयोग किया जाएगा। अस्ति पवमान हविष्याम आधान अंगतम, और पवमान हविष्य भी क्या है? आधान का अंग होता ही है, इसलिए परंपरा आधान से जुड़ गया। तत् प्रकरणे पाठात, क्योंकि जो आधान प्रकरण में ही पवमान हविष्य का भी पाठ हो रखा है। कृत्तिकासु अग्निम बाधीत इत्यस्मिन् प्रकरणे प्रजापतिर्वाच सत्यम अपश्यद् इत्यस्मिन् अनुवागे त्रीणि हविंशी निरूपित इत्यादिना तानि विहितानि। तो पवमान हविष्य कहाँ बीते वो बता रहा है। कृत्तिकासु अग्निम बाधीत ऐसा कह करके उसी प्रकरण में कहा प्रजापतिर्वाच सत्यम अपश्यद् इत्यादि अनुवाक में अंत में कहते त्रीणी हविंशी हविंशी निर्वपति इत्यादि ना तानि विहितानि। तीन हविष्य इस पवमान के नाम पर निर्वाप करना चाहिए, इसे विधान कर दिया। ततो यथा सप्तदिशारत्नित्तम वाजपेय साक्षात असंभवाद तदंग पशोरंगे निविशते। वाजपेय में साक्षात नहीं हो पाया, उस अंग पशु पशु के साथ में नहीं जोड़ा, पशु के अंग के साथ अपने जोड़ दिया, ऐसे यहाँ भी कर लीजिए। तद्वत इदमपि प्राप्ते ब्रह्म। आधान में साक्षात नहीं हो पाया तो आधान गंग है, आधान गंग कौन लिया आपने? आधान गंग आपका सत्यम इत्यादि पवमान हविष्य, पवमान हविष्य उसमें अन्वय कर दो, इसको निवेश कर दो, और तद्वारा ये भी आधान के साथ जुड़ जाएगा और दश ब्रह्मा से चला जाएगा। इति प्राप्ते ब्रह्म। अग्निमुद्दिश्य आधानम यथा विहितम तथा पवमान हविंश्यपि। इस अग्नि को उद्देश्य करके आधान का विधान किया, पवमान को उद्देश्य करके भी हविष का विधान किया गया। यदा हवने जुहवती तेन स अस्याभीष्ट प्रीत इति आवनीय उद्देश्यन पवमान हवे होम विधानात्। जब आवनीय में हवन करोगे उससे क्या होगा? तस् अस्य स्वस्य अभीष्ट स्यात् प्रीतः, उस अग्नि के इष्ट सिद्ध होता है, अग्नि प्रसन्न होता है इत्यादि आहवनी को उद्देश्य करके पवमान हविरों का होम का विधान किया गया। तस्मात् अग्नि संस्कारत्वेन समानानाम आधान हविषाम
इसलिए अग्नि के संस्कारत्व न आग्रहों के समान ये भी होने के नाते नास्तिक परस्परांगांगी भाव। इसलिए आदान के जो होम है और ओमान होम में उन दोनों का परस्पर में अंगांगी भाव नहीं हो सकता। तथा सती प्रकरण से पात्र प्रति विनियोजकत्व भावात्। इसलिए प्रकरण प्रमाण पात्र का विनियोजक हो नहीं सकता। तो वैकम तो यज्ञाचरित वाक्य न, इसे वाक्य प्रमाण के द्वारा हम दश ब्रह्मास आदि सर्वयज्ञेषु तद विनियुज्यते। दश ब्रह्मास आदि सकल यज्ञों में उसका विनियोग कर दिया जाता है। त्रयोदशाधिकरण मारचेति वार्तग्नि अधिकरणम। पहले विचार आया था वार्तग्नि और वृधनवती, पहले विचार आया था उसको दोबारा दूसरे ढंग से लिया जा रहा है अन्य प्रयोजन को लेकर के। वार्तग्नि पूर्णमासेस्तो वृधन व्यत्यौ तो दर्शगे इति प्रधान शेष इति प्रधान शेषत्व मुक्तम किं वा व्यवस्थितिः क्रमेण प्रापिता मंत्रास चत्वारो अप्य आज भागयो क्रमाद्वाग्यं बलियोवत एषां दर्शादिशेषता न मुख्ये सोमये कोस्ति नाघारत्वादिकालयो दर्शादेर व्यवस्थित्या प्राप्तो वाक्याद्यवस्थितिः। यहाँ भी प्रकरणादि प्रमाण को बात करके वाक्य प्रमाण से ही व्यवस्था प्रदान किया जाएगा। वार्तग्नि पूर्णिमास तिथि में करना चाहिए, वृधनवती का याग जो है दर्श काल में। ये बात पहले भी वाक्यों को पढ़े हो, वही वाक्य उठाया जा रहा है। इति प्रधान शेषत्वम उक्तम किम वा व्यवस्थिति, ये भी जैसा भी आपने बोला सकल प्रधान यागों का शेष माना जाए या कोई विशेष व्यवस्था आप देंगे। पूर्व पक्ष कहता है क्रमेण प्रापिता मंत्रास चत्वारो आज्य भागयो, क्रमेण क्रम प्रमाण से प्राप्त होता है आज्य भाग के चार मंत्र, उसी क्रम से आगे वाक्यम बलियो। लेकिन सिद्धांत कहते हैं क्रम प्रमाण की अपेक्षा से वाक्य प्रमाण बलवान है, अतः ऐसा दर्शादि शेषता इस दर्शादि के शेष मानो। लेकिन न मुख्य सोम एको अस्ति, इन मुख्य में एक सोम याग नहीं है, अतः वहां पर न आघारत्वादिकालयो, इसे वहां पर आधारत्व जो काल रूपी आधार मानवय नहीं होगा। इसलिए दर्शादिर अव्यवस्थित्या दर्शादि की व्यवस्था का न होने से प्राप्त हो वाक्याद्यवस्थिति, वाक्य प्रमाण के आधार पर हमें व्यवस्था देनी पड़ेगी। दस प्रमास प्रकरणे श्रूयते वार्तग्नि पौर्णमास्याम मनुच्येते वृधन्वती अमावास्यायाम इति तत्र इदं वार्तग्नि युगलम वृधन्वती युगलम च हौत्रकांडे आज भाग्यो क्रमे अग्निर् वृत्राणि जंघनत इति अनुवाक्येन आमनात्। कह दिया गया वार्तग्नि ऋचाओं को पौर्णमास काल में पाठ करो, वृधन्वती ऋचाओं को अमावस्या के दिन पाठ करना है। इन वहाँ विचार ये होता है ये वार्तग्नि युगल है वृधन्वती युगल है, वह हौत्र कांड में आप देखेंगे तब कहाँ पठिते आज भाग्य क्रम में अग्निर् वृत्राणि जंघनत इति अनुवाक्येन पठित। उदाहरण तो ब्राह्मण वाक्यन दर्शमास यागयोस तद विधिरवगम्यते, और आपने जो वाक्य उठाया है वार्तिक में पूर्णमास्य अनुभूच्यते इत्यादि, उसके आधार पर तो लगता है ब्राह्मण वाक्य से दश पूर्णमास याग का ये साथ संबंध उसका है ये तद विधिरवगम्यते। अजय शंका हुई क्या करना है अभी, इसको दश पूर्णमास अंग माना जाए या हौत्रकांड के अनुसार आज भाग का माना जाए। तत्र वाक्य से प्रबलत्वाद ऐसा मंत्रण दशमास यागंगत्ता, वाक्य प्रमाण प्रबल आते इन मंत्रों को दशमास का सीधे अंग याग का अंग मानो, न तो आज भाग अंगत्वम आज भाग अंग नहीं होगा इत्यं प्राप्ते ब्रूम। अग्निर्वृत्राणि जंघनद इति आग्नेय प्रथमा वार्तग्नि, ये युगल है जोड़े जोड़े दो दो मंत्र। इसलिए विचार करो कि समझा रहे हैं कि क्या है वहाँ मंत्र अग्निर्वृत्राणि जंघनद इति आग्नेय प्रथमा वार्तग्नि,
तम सोमासी सत्पतिरिति सौम्या द्वितीय वार्तरग्नि है। यमे अग्नि प्रत्येन जन्मना इति अग्नि प्रथमा विधनवती सोमगीर भीर इष्टवा वयम इति सौम्या द्वितीय वृधनवती है। देख लो दो आपके वार्तग्नि है, उसे पहला वाला अग्नि है, दूसरे वाला सोम है। वृधनवती दो है, वे पहले वाला अग्नि है, दूसरे वाला सोम है। ये स्थिति जो है वहाँ पर तत्र मुख्य और दृष्टपूर्णमासयोर यागयोर आग्नेयपूर्णाश सद्भावात्। मुख्य जो दृष्टपूर्णमास यज्ञ है वहाँ पर आग्नेयपूर्णाश रहता है। अग्नि द्वयस्य विकल्पेन पुरोनवाग्यत्वं कथंचित भवतु। इसलिए अग्नि द्वय एक वृधनवती का एक वार्तरग्नि का यह विकल्पेन पुरोनवाक्यों को वहाँ पर कदाचित प्रयोग हो सकता है। सौम्योस्तो तन्ना संभवती सोम है ही नहीं, अकेला सोम देवता है ही नहीं दर्शपूर्णमासी आग में, न संभवती सोम देवता या अभावत। अग्नि सोम नाम से तो है ना, केवल सोम नहीं है, अग्नि सोम नाम से तो है। कहते तीनों अलग चीज है, केवल अग्नि अलग है, केवल सोम अलग है, अग्नि सोम अलग है। यह मंत्र में ही देवता है ना, इसलिए नहीं अग्नि सोम ये भी केवल सोम विद्यते। जब स्पष्ट कर दिया अग्नि सोम में हम जो कह रहे हैं जहाँ वहाँ पर भी केवल सोम देवता नहीं है। किंच इतना ही नहीं पौर्णमास्याम अमावास्यायाम इति सप्तमीभ्याम आधारत्वम च गम्यते। इन सप्तमियों के द्वारा आधारत्व ज्ञान हो रहा है। तच्च यागवाचित्वे यागस्य मुख्यत्वात् न संभवति। और याग वाचन के नाते और याग मुख्य है अतः वह आप घटा नहीं सकते आप कालस्य, क्यों काल उपाधेय है ही नहीं। वैसे अनुपाधेय पंचक में आता ना, याग उपाधेय है इन काल उपाधेय नहीं है। तच्च यागवाचित्वे यागस्य मुख्यत्वात् न संभवति, क्यों कालस्य तो उपसर्जनत्वात्, क्यों काल हमेशा उपसर्जन होता है। तद वाचित्वम युक्तम, इसे उसको तदवाच्य मानना ही ठीक है। इधर एक और बात किंच प्रयाज मंत्रानुवाकस्य अनंतरमेव अयम अनुवाक पठित। और प्रयाज मंत्र के अनुवाकों के बाद में ही इन अनुवाकों को पाठ किया गया। सच आज भागयोर अंग्यो क्रम, वाच्य भाग के अंगों का अंगयो क्रम न तो मुख्य ओर दर्शपूर्णमास मुख्य दर्शपूर्ण यास का या का क्रम में सन्निधि में भी स्थान में भी वो नहीं है। तस्माच्च न मंत्र चतुष्टय मुख्य यागंगतम, इन कारणों से मंत्र चतुष्टय को हम मुख्य यागंग नहीं कर सकते, किंतु आज भाग के अंग मानेंगे। नंदु एतत् क्रमेण लब्धम, ये भी क्रम प्रमाण से लब्ध था ना, स्थान प्रमाण से। तत्रापि आग्नेय प्रथम आज्य भागे मंत्रोपि आग्नेय, कि आग्नेय ही प्रथम आज्य भाग का देवता व आग्नेय मंत्र प्रयोग हो जाएगा। सौम्य द्वितीय सौम्य ऐसा व्यवस्था लिंगे नहीं लभ्यते, स्थान प्रमाण की जरूरत नहीं, वह लिंग प्रमाण से लभ्य है, स्थान प्रमाण से प्रबल है लिंग प्रमाण। इति पूर्व पक्ष ने एक बात कहा ननु इति बाढ़ ठीक कहा आपने, तथापि वार्तगनि युगलम पौर्णमासी काले और वृधनवती युगलम अमावस्यायाम इति ऐसा व्यवस्था पूर्वम अप्राप्त वाक्य प्रमाण है ब्राह्मण वाक्य न अभिदेति इति न वैयर्त्यम। इसे ब्राह्मण वाक्य लिंग प्रमाण को भी बात करके हम यह ब्राह्मण वाक्य प्रबल की पर कहूँगा कि अप्राप्त का विधान कर रहा है। लिंग प्रमाण शब्दार्थ के समर्थ का मात्र बोधक होता है, विधायक तो है ही नहीं। से विधायक कौन हो गया, काल विशेष के विधान संबंध जोड़ने वाला वाक्य प्रमाण है। इसे वाक्य प्रमाण से हम यहाँ विनियोग करेंगे, वाक्य न भी देते यदि न वैयर्थ्यम। हस्तावनेजनाधिकरणम चतुर्दशाधिकरणम आरचित, चौदहवाधिकरण की रचना कर रहे हैं, इसका नाम है हस्त अवनेजनाधिकरणम। हस्तौ द्वाव अवने निक्ते स्त्रणाति कुलपराजिकाम दर्भास्तरण एवांगम
हस्त शुद्धिर उताखिले तन्मात्रांगत्तम अत्रस्याद आनंतर्य आत्मगात्क्रमात् लिंग प्रेरणाभ्यांतु सर्वानुष्ठान शेषता। हस्तौ द्वौ अवने निक्ते, दोनों हाथों को अवनेजन करने के लिए कहा, धोने के लिए कहा, लेकिन कब? स्तृणाति उलपराजिकाम दर्भा तरणमेव अंगम, दर्भास्तरणमेव अंगम। अब विचार करना है किसका अंग बनाओगे इसको, कि दशपुट मास प्रकरण में हस्तौ अवने निक्ते विधि आया, उलपराज्यम स्तृणाति वेद्याम आस्तरितुम संपादित स्तृणस तस्य उलपराजी, ये नाम है। उलपराजी किसको होते हैं? वेदी पर आस्तरण करने के लिए संपादित जो स्तंभ है, माने कुछ कुछ दर्पण को इकट्ठा करके तो मोटा सा बना दिया, उसको स्तंभ कहते हैं, उसका नाम उलपराजी होता है। उलपराजिम स्तृणाति का पहले हस्तौ अवने निक्ते, फिर आया उलपराजिम स्तृणाति। अब ये जो नैनिजन है धोना, वो किसका अंग माना जाए? उपराजी का आस्तरण जो कर रहे हैं इसी के अंग माना जाए, या प्रकरण क्या पूरे याग का अंग माना जाए? हस्त शुद्धिर उताखिल, ये जो हस्त स्थिति है दर्भास्तरण का ही अंग माना जाए, अथवा अखिल कर्मकांड में। तन्मात्रंग तम मत्र स्यात, तो पूर्व पक्षी कहता है दर्भास्तरण के बगल पटित है पूर्वोत्तर भाव से, आनंतरे रूपा हेतु है, यहाँ सन्निधि अत्यंत सन्निधि है, आनंतरियात्मकात्क्रमाद अत्र तन्मात्रंगत्तम मैंने दर्भास्तरण मात्र का अंग मानना चाहिए। तब सिद्धांत लिंग प्रकरणाभ्यान दो सर्वानुष्ठान शेषता, लिंग प्रमाण और प्रकरण प्रमाण इन दो के माध्यम से सर्वानुष्ठान के योग अंग मानेंगे हम हस्त दोना। दर्शपुणवास प्रकरण श्रूयते हस्ताव अवने निक्ते, दूर छप गया मिला दो, हस्तौ अव उपसर्ग है ने निक्ते, ने निजाते ने निजते इत्यादि बनता है निजर धातु। उल पर राजम स्तृणाति, उसके बाद वाक्य आया दोनों हाथ धोना, फिर उलपराज को आस्तरण करना, इसे पूर्व पेश कहता है धोना जो है इतनी ही कर्म का अंग मान लो। उलपराजी क्या चीज है? उलपराजी वही वेद्याम आस्तरितुम संपादित तृण स्तंभ, वेदी पर बिछाने के लिए संपादित जो तृण का एक मोटा रस्सी जैसा है उसको कहते हैं उलपराजी। तत्र हस्तशुद्धि दर्भास्तरण वाक्योर निरंतरेण, हस्तशुद्धि वाक्य और दर्भास्तरण वाक्य पूर्वोत्तर में होने के नाते अव्यवहित होने के नाते पठितत्वात् क्रम प्रमाणेन स्थान रूपी क्रम प्रमाण के द्वारा हस्तशुद्धि आस्तरण मात्र से अंगत्तम आस्तरण मात्र का मानना चाहिए। यदि चेत मैवम अवनेजनम हस्त संस्कार, अवनेजन किसका संस्कार है? हाथ का। उसे क्या लेना देना दर्भ का आस्तरण से? देखो क्योंकि संस्कृतो हस्तो सर्वानुष्ठान योग्य दो, और संस्कारित जो हाथ है पूरे कर्मानुष्ठान में उपयोगी है ना, केवल आस्तरण इसके बाद गंदा हो जाए तो भी कर्मकांड करते रहोगे। हस्त का जो शोधन है वह संपूर्ण कर्मकांड के लिए उपयोगी है, केवल दर्भास्तरण मात्र तक के लिए सीमित नहीं रखना है उसको, क्योंकि हस्त शुद्धिर आसरण मात्र अंग नहीं हो सकता कि अनविजन जो हस्त का संस्कार है और वह संस्कारित हाथ जो है सर्वानुष्ठान में योग्य होगा। एतादृशम सामर्थ्यम लिंगम, ये सामर्थ्य लिंग ये सामर्थ्य का बोध करा रहा है। ये तो है नहीं, फिर आप हाथ धो लिया शुद्ध करके उपर राज्य का आस्तरण कर दिया, आस्तरण के बाद क्या करें? शुद्धा से आगे कर्मकांड करना नहीं आपके अनुसार, फिर हाथ को गंदा करना पड़ेगा? नहीं गंदा करना पड़ेगा, गंदा करके क्या काम करना पड़ेगा ना, धो के एक काम करने बोला आपने, फिर बाकी काम गंदा करके करो, मलिन हाथ से करो और तो हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ होगा।
इसे उसका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यो लिंग प्रमाण के आधार पर सर्वकर्म के उपयोगी योग्यता सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है जो संस्कारित हाथ प्रकरण दर्शपूर्णमास स्फुटम, और प्रकरण में क्या है दर्शपूर्णमास का स्पष्ट ही दिख रहा है। अतः प्रबलाभ्याम लिंग प्रवरणाभ्याम, प्रबल जो लिंग प्रकरण प्रमाण है इन दो प्रमाणों के द्वारा क्रम बाधा क्रम प्रमाण जो स्थान प्रमाण है उसको बाध करके सर्वशेष हस्तशुद्धि संपूर्ण दुष्पण याग का शेषत्व न हस्तशुद्धि को स्वीकार करना चाहिए। अयम न्यायो वाग यमे अपि द्रष्टव्य, यही न्याय वाग यम में भी लगा लेना चाहिए। यजमान को वांग नियम करने के लिए कहा व्रत, एक तरह से वाग व्रत धारण कर लेगा, वो इधर उधर फालतू बात नहीं करेगा। सच वाग्यम हो ज्योतिष्टो प्रकरण श्रुदा, वाग्यम का प्रकरण कहा है श्रोत याग जो ज्योतिष्टो प्रकरण में श्रुद्ध है। मुष्टि करोति वाचम यच्छतीति, मुट्ठी बांध के बैठे रहेगा और वाग का सेवन करके बैठेगा, बोलेंगे तो कोई चीज लाने के लिए डालना वालना है तो हाथ खोलेगा, नहीं तो मुट्ठी बांध के बैठे। मुष्टिम करोति वाचम यच्छति इति तदनंतरम में विदम श्रूयते दीक्षितम आवेदयति इति, आवेदन प्रकरणश्च एवं श्रुता दीक्षितम आवेदयति, एक कहा और कहा आवेदन प्रकरण भी इस प्रकार से श्रुते। अधिक्षिष्टायम ब्राह्मण इति त्रिरूपांश्च आह देवेभ्य वैनम प्राह त्रिरुच्चैरुभेभ्य एवं एवैनम देव मनुष्यभ्य प्राह इति। अधिक्षिष्टा अयम ब्राह्मण, जब तक दिशा नहीं हुई इस ब्राह्मण यजमान का, इति त्रिरूपांश्च तीन रूपों को कहता है देवताओं के लिए, एनम ब्रा त्रिरुच्चैर उभयभ्य, और इसको कहेगा तीन बार उच्च जोर से दोनों के लिए देव मनुष्य विप्राय। अत्र मुष्टिकर्ण वाग नियमाभ्याम हस्त जिह्वागत चापले, मुष्टिकर्ण किसके लिए हस्त की चपलता को रोकने के लिए, वाणी को नियमन करना किस लिए जिह्वा की चपलता को रोकने के लिए। निवारित सती मन से एकाग्रस्य सर्वकर्मसु योग्यत्वम लिंगम, मन की जो एकाग्रता है वह सर्वकर्म में योग्यता को प्रदान करता है। ये लिंग प्रमाण के आधार पर हम सर्वकर्म का अंग बना दूंगा मुष्टि और वांग संयम को, न कि निकट सन्निधि में क्रम प्रमाण तेना क्रमो बाध्यते, क्रम प्रमाण को बाध्य जाता है।